नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे और अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। दिल्ली में इंडिया गेट पर थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति पर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की मार झेल रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 25 अप्रैल को लगी आग अभी कुछ जगहों पर जारी है। दमकल विभाग के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगल में आग लग गई। प्रशासन के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने बीते 24 घंटों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर उन्हें बर्बाद किया। सऊदी में शनिवार को ईद का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन ईद का चांद नहीं दिखा, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब ईद का त्यौहार 2 मई को मनाया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,324 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक्टिव केस की संख्या 19,000 से ज्यादा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दौड़ेगा भागेगा।